Hello my dear students, welcome to my next video sessions. इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. एज वी ऑल नो कि दैट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एनसीईआरटी में कहीं दिया तो है नहीं, ओके, बट इसके बारे में आप ज़्यादा ना सोचें. एनसीईआरटी में नहीं दिया तो इफ़ वी कंसिडर द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन, स्पेशली एम्स एंड नीट एग्जामिनेशन में, तो इन डिफरेंट क्वेश्चंस टू टर्म्स कॉमनली, दो टर्म्स जो है वो कॉमनली आते हैं. एक है आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और एक दूसरा है हाइब्रिडोमा टेक्निक्स, ठीक है. और बाकी जिन लोगों ने बायोटेक में एप्लीकेशंस पार्ट में एलिजा के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी टू डिटेक्ट द एंटीजेंस वहाँ पे भी एंटीबॉडी यूज किया जाता है. तो वो एंटीबॉडी आखिर आया कहाँ से, ठीक है ना, मतलब उस एलिजा टेस्ट के लिए ये एंटीबॉडी आया कहाँ से, ओके. तो उसी एंटीबॉडीज को बनाने का एक टेक्निक्स है. जैसे कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाएगा तो उसमें वी नीड लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ द एंटीबॉडीज, तो वो एंटीबॉडीज कहाँ से बनता है उसी के बारे में ये है जस्ट. तो फॉर योर नॉलेज सेक, ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि एनसीईआरटी में नहीं दिया तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता है, बनेगा एकदम, बिल्कुल बनेगा. उसके लिए एकदम बिल्कुल आप चिंता ना करें. छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट लगेगा बस, इसमें आप देख लीजिए जितना समझ में आ गया अच्छी बात है, ओके. तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पहला होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस टॉक अबाउट द क्या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होता है. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दैट मीन्स ये क्या है, वन टाइप ऑफ एंटीबॉडीज है. और एंटीबॉडी हमें पता है कि कहाँ से बनता है, प्लाज्मा सेल्स बनाता है. और प्लाज्मा सेल्स क्या है, एक स्पेशलाइज या क्लोन सेल्स होता है किसका, बी सेल्स का. और बी सेल्स क्या है, लिम्फोसाइट सेल्स होता है. दैट मीन्स लिम्फोसाइट सेल्स इफ मैच्योर इन द बी बोन मेरो तो देन दे गोइंग टू फॉर्म द बी लिम्फोसाइट सेल्स या ओनली यू कैन से बी सेल्स. दैट बी सेल्स क्लोन टू फॉर्म प्लाज्मा सेल्स एंड दैट प्लाज्मा सेल्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए एंटीजेंस. दे कैन प्रोड्यूस दैट एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट एंटीजेंस, ओके. तो प्लाज्मा सेल्स में कैपेबिलिटी होता है एंटीबॉडी बनाने का और सिक्रेट करने का, ओके. सिंथेसिस एंड सिक्रेशन दोनों काम करता है तुम्हारा. तो फिर ये स्पेशल क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मतलब क्या हो गया आपको, कि हमने एक ऐसा स्पेसिफिक प्लाज्मा सेल्स बनाया जो स्पेसिफिक है किसी एक एंटीजेंस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने के लिए. तो अब उसी सेल्स का ढेर सारा क्लोन करेंगे, मतलब पेरेंटल सेल्स वो हो गया और उसी का बहुत सारा क्लोन बनाएंगे हम. अब वो क्लोन सेल्स जब भी सिंथेसिस करेगा तो वो सिर्फ हमेशा एक ही तरह के एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता रहता है, ठीक है. लेट्स सपोज मान लो हमें एलिजा में एचआईवी टेस्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट एचआईवी एंटीजेंस. तो कोई इंसान तो तैयार नहीं होगा कि हाँ भाई मेरे अंदर आओ और मेरे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बना लो एचआईवी के लिए. नो वन गोइंग टू रेडी फॉर दैट वन. तो वी नीड ए सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम कह सकते हैं, कि जिसमें से हम एचआईवी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लें, ठीक है. अब उस एंटीबॉडी को हम लोग उसके डायग्नोसिस में यूज कर सकते हैं, उसके टेस्ट को में यूज कर सकते हैं, जैसे कि एलिजा में किया जाता है, ओके. तो लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे ये एंटीबॉडी बनाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडोमा टेक्निक्स, ओके. तो यहाँ पे मेरे पास, हम लोग स्टार्ट करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शंस. हमारे पास एक माउस है जिसको हम लोगों ने इम्यूनाइज करके रखा है किसी स्पेसिफिक एंटीजेंस का. दैट मीन्स हमने एंटीजन को इस माउस के अंदर डाल दिया है, इंजेक्ट कर दिया है, ठीक है. तो ऑब्वियसली दैट माउस क्या करेगा, उसका जो इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट में एक स्पेसिफिक प्लाज्मा सेल्स बनाएगा, ठीक है. तो उस प्लाज्मा सेल्स को हमें आइसोलेट करना है, उस माइस के बॉडी से आइसोलेट करना है. कैसे आइसोलेट करेंगे, तो दैट प्लाज्मा सेल इजिली अवेलेबल इन द स्प्लिन, ओके, स्प्लिन. और ये प्लाज्मा सेल्स ही क्या होगा, उसी बी सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. तो आफ्टर इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना, वी लीव दैट माउस फॉर सम टाइम और सम डे, व्हेन एवर वी कंफर्म दैट कि उसके बॉडीज में स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा सेल्स बन चुका है, तब हम उस माइस का ऑटोप्सी करेंगे और उसके स्प्लिन को हम लोग वहाँ से आइसोलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे. और उस स्प्लिन से हम फिर सेपरेट करेंगे ये प्लाज्मा सेल्स, ठीक है. अब ये प्लाज्मा सेल स्पेसिफिक है उस एंटीजेंस के लिए, उस एंटीजेंस के लिए स्पेसिफिक है और वो उसी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा. लेकिन दैट प्लाज्मा सेल है स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मतलब इसका एक अपना डेफिनेट लाइफ स्पेन है, आफ्टर दैट दैट विल बी डाई. और इसके पास ये भी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये रैपिडली डिवाइड करे और सिंथेसिस एंड सिक्रेशंस कर सके,
तो फॉर दैट टू ओवरकम दैट ड्रॉबैक ऑफ दैट प्लाज्मा सेल्स वी गोइंग टू फ्यूज दीज प्लाज्मा सेल विथ कल्टिवेटेड माइलोमा सेल्स. तो माइलोमा सेल्स क्या होता है? माइलोमा सेल्स वन काइंड ऑफ कैंसरस सेल्स है. ये क्या है आपका? एक कैंसरस सेल है. हमने एक कैंसरस सेल्स ले लिया जिसका नाम माइलोमा सेल्स है. इस माइलोमा सेल और इस प्लाज्मा सेल्स को हम क्या करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफ्यूजन्स, इलेक्ट्रिक फ्यूजन्स के थ्रू इन दोनों को फ्यूज कर देंगे. जैसे हम इसको फ्यूज करते हैं, ओके, लेट सपोज ये हमारा क्या है, स्प्लीन से आइसोलेटेड प्लाज्मा सेल्स है और ये हमारा माइलोमा सेल्स है. जब हम इसको फ्यूज करेंगे तो वी गोइंग टू गेट द थ्री टाइप ऑफ सेल्स. वन ऑफ द टाइप क्या होगा कि इसमें माइलोमा सेल्स फ्यूज्ड ही नहीं है, ये लोग आपका माइलोमा सेल्स फ्यूज्ड ही नहीं है, और एक प्लाज्मा सेल्स ये भी फ्यूज्ड ही नहीं है, नॉर्मल है. और एक सिचुएशन होगा जिसमें क्या होगा, दोनों सेल्स फ्यूज हो चुके होंगे, दैट मीन्स दैट पार्ट, ये हाफ पोर्शंस और ये हाफ पोर्शंस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे ये प्लाज्मा सेल्स और जो माइलोमा सेल्स है ये दोनों फ्यूज है, दैट मीन्स दैट द हाइब्रिड सेल्स. बट यहाँ पे एक फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि इन तीनों सेल्स में से हाइब्रिडोमा सेल्स को कैसे हम सेपरेट करें, आइसोलेट करें. तो फॉर द सिलेक्शन पर्पज वी गोइंग टू यूज द हेट मीडियम को यूज करेंगे. ठीक है ना, हेट मीडियम एक आर्टिफिशियल मीडियम होता है जिसमें यह सिलेक्शन किया जाता है, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है. ठीक है, इस हेड मीडियम्स को यूज करके हम सेलेक्ट करेंगे किसको, हाइब्रिड सेल्स को यूज करेंगे. ठीक है ना, हाइब्रिड सेल्स को आइसोलेट कर लेंगे बाय द यूजिंग दैट हेड सेल्स. मतलब इस हेड मीडियम में ओनली दिस हाइब्रिड सेल कैन ग्रो. ठीक है, ये प्लाज्मा सेल्स और ये माइलोमा सेल्स ग्रो नहीं करेगा, ये सेल्स मर जाएंगे. ठीक है, तो अब हमारे पास एकदम प्योर हाइब्रिड सेल्स है. किसका हाइब्रिड? माइलोमा सेल्स और प्लाज्मा सेल्स. मतलब नाउ दैट हाइब्रिड सेल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट एंटीजेंस एंड देन कैन रैपिडली डिवाइड एंड इमोर्टल्स. ओके, तो हम इसको फ्यूचर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यूज करेंगे इस एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए. अब इसी को क्या करना है, कल्टिवेशन करना है. कल्टिवेट करेंगे जो भी आर्टिफिशियल मीडियम में है, उस एंड मीडियम में ये हमारा एंटीबॉडी बन के तैयार हो जाएगा. ठीक है, तो दैट बॉडी इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. ये क्या है हमारा? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है. ओके, तो ये एक प्रोसेस हो गया जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना रहे हैं. अब आते हैं कि हम भाई इसका यूज क्या करेंगे. तो यूजेस में, ठीक है ना, यूजेस में एक क्या है आपका, सबसे पहले इसको यूज करेंगे हम लोग एलेजा, एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेट एसे. आप लोगों ने इसको बायोटेक के सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, एप्लीकेशंस वाले पार्ट में. ठीक है, तो वहां पे हम लोग सबस्ट्रेट यूज करते हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को यूज किया जाता है. ठीक है ना, और उसमें सबस्ट्रेट डालेंगे और सबस्ट्रेट क्या होगा, कलर कोई प्रोडक्ट देता है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव हो जाता है आपका. तो वहाँ एंजाइम को, इसी एंटीबॉडी को यूज किया जाता है जिसके लिए भी एलाइजा परफॉर्म्स करें उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी अगर बनाना है तो गोइंग टू दिस प्रोसीजर्स के थ्रू हम जाएंगे और हम एंटीबॉडी बना के रख लेंगे. इसी एंटीबॉडीज को, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को यूज करेंगे कहाँ पे हम लोग, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट में करते हैं. वेस्टर्न ब्लॉटिंग्स में यूज करके इसको हम लोग करते हैं. ठीक है ना, वेस्टर्न ब्लॉटिंग यानी प्रोटीन एनालिसिस. डॉट ब्लॉटिंग में करते हैं, यहाँ पे किसी भी जीन एनालिसिस के लिए इसको यूज किया जाता है, डॉट ब्लॉटिंग कर सकते हैं. और एक और सबसे अच्छा यूज है इसका, एमिनो फ्लोरोसेंट टेस्ट में भी यूज किया जाता है. एमिनो फ्लोरोसेंट टेस्ट में, एमिनो फ्लोरोसेंट इम्यूनोलॉजिकल बेस्ट टेस्ट होता है. इसमें फ्लोरोसेंस डाई इस एंटीबॉडी के साथ हम टैग कर देंगे, उसको यूज करेंगे. तो दैट टेस्ट इज नोन एज एमिनो फ्लोरोसेंट टेस्ट. स्पेशली देखिए आपके एमसीडी में ये तो नहीं है सारा, इसका टेस्ट के बारे में कोई डिस्कस नहीं. वेस्टर्न ब्लॉट एक दो जगह आता है जस्ट नेम के तौर पर, बट एलेजा हमको पढ़ना है वहाँ पे थोड़ा सा, लिटिल बिट डिटेल्स में. तो जब बायोटेक डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं एलेजा के बारे में बता दूंगा. अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि ये इसमें से यूज होने वाला जो एंटीबॉडी हमने बनाया कहाँ पे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में बनाया है. ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. ओके स्टूडेंट, वन मोर थिंग मैं यहाँ पे आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में जो हमारे ड्रीम करियर इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट हुआ है या हो रहा है या होगा फ्यूचर में, तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में मैं डाल दूंगा. तो आप लोग काइंडली उसको डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं. उसमें आपके तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट का पूरा 180 क्वेश्चंस है उसमें. और मैंने जस्ट पोर्ट है टेस्ट के लिए, बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग उसको करना चाहें तो कर सकते हैं. ओके, जो लोग नए हैं इस चैनल के लिए तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल्स,
और आप इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, और इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर द इम्प्रूव योर नंबर इन बायोलॉजी फॉर स्पेशली फॉर द नीट एग्जामिनेशन और एम्स एग्जामिनेशन के लिए. ओके ओके डियर स्टूडेंट, आई होप ऑल यू लाइक माई वीडियोज, और इसी के साथ मैं वीडियो कंप्लीट करता हूँ. ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग.